हेलो एवरीवन, आवर टुडे टॉपिक इज़ हाउ टू ड्रा लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? सबसे पहले वो कहेगा लेटरिंग लिखो ए टू जेड, और हमारे पास क्या देगा, हाइट ऑफ ईच लेटर, मींस जो लेटर है उसकी हाइट कितनी है वो हमें हमेशा गिवन होगी। अभी जो मैंने वैल्यू ली है वो है 28 mm, ये mm में है। सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 2.8 सेंटीमीटर। रेशो 7:4, जो हमारे सिलेबस में वो 7:4 है। रेशो अलग अलग भी हो सकती है, 5:4, 6:5, 7:5, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी विल डिस्कस ओनली विद रेशो 7:4। ओके, सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या करना है, 28 mm की हाइट ऑफ ईच लेटर कितनी है, 28 mm। आपने क्या करना है, सबसे पहले दो लाइनें लगा लेनी है, हॉरिजेंटल लाइन, और उनकी बीच में, दोनों लाइंस के बीच में गैप कितना है, 28 mm। मीन्स जितनी हाइट होगी लेटर की उतनी क्या होगी, दोनों में गैप होगा। इसी के बीच में हम अलग अलग लेटर लिखेंगे, ए बी सी डी ई, क्योंकि ईच लेटर की हाइट कितनी है, 28 mm। ओके स्टूडेंट, बिफोर टू ड्रा लेटरिंग कुछ डिस्कस करूंगा। रेशो 7:4, 7 क्या डिनोट करता है और 4 क्या डिनोट करता है। अब हमारे पास हाइट कितनी गिवन है, 28 mm। रेशो हमारी 7:4, ये जो 7 है ये किसके लिए यूज करेंगे, हाइट के लिए। जो 4 है वो किसके लिए यूज करेंगे, विड्थ, क्योंकि कोई भी लेटर है, मान लो ए है, ये क्या इसकी हाइट और इसकी कोई विड्थ भी होगी लेटर की, हर एक लेटर की विड्थ है और हाइट है, क्लियर है। और ये जो 7 है हाइट के लिए यूज करेंगे, 4 विड्थ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है, जितनी हाइट है उसको क्या करना है, ये वाले 7 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा, 4 mm, क्लियर है। 28/7 उसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 mm। मीन्स क्या करना है आपने, ये जो हाइट है 28 mm, इसको क्या करना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में, 7, और हर एक पार्ट कितने mm का, 4 mm का, क्लियर है। 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है और हर एक पार्ट कितने का, 4 mm का, क्लियर है। इसी तरह विड्थ, विड्थ हर एक पार्ट कितने का, 4, और पार्ट्स कितने हैं, 4, कितना हो गया, 16। मीन्स हाइट कितनी है, 28 mm, और विड्थ कितनी होगी, 16 mm, क्लियर है। जब हम ड्रा करेंगे तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है हाइट को। ये जो काम करना है हमें, तो हमने तो मेन हमारा पर्पस है ए बी सी देखना। ये जो पीछे लाइंस है ये एक तरह की रफ लाइंस है, तो अभी ये भी क्लियर हो जाएगा एच पेंसिल कहाँ यूज करते हैं, और टू एच जो पेंसिल है वो हमेशा कहाँ यूज करनी है, रफ वर्क के लिए। और एच जो मेन हमारी ड्राइंग है, मीन्स हमने ए लिखना है, बी वही हमें दिखना चाहिए, बैक लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हम एच पेंसिल यूज करते हैं। ओके तो मैं यहाँ 2H पेंसिल यूज कर रहा हूँ रफ लाइंस के लिए। सबसे पहले 28 की हाइट को मैंने क्या करना है, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, हर एक पार्ट कितने का, 4 mm। अब इन्हीं लाइंस को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करना है।
क्लियर स्टूडेंट्स, सेवन पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये तो होगी हाइट मींस ये वाला। अब रह गए विड्थ, विड्थ को कितने पार्ट्स में, एक एक लेटर के लिए विड्थ में कितने पार्ट्स है, 4, और हर एक पार्ट कितने साइज का है, 4 mm, 4 × 4 = 16 मींस हमने विड्थ में कितने कितने के कट लगाने हैं, 4 mm के, हर एक पार्ट 4 का है, अब इनको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देना है। जैसे ग्राफ में बॉक्स बने होते हैं लाइक, वैसे ही बन जाएगा ये भी। जैसे हम कॉपी में देखते हैं लाइनें लगी होती हैं, उसी के बीच में सारी हम वर्डिंग लिखते हैं, इसी तरह ये एक तरह की कॉपी बना रहे हैं बैक लाइंस, जो हमें गाइड करेंगे भी ए कहाँ लिखना है, कितने साइज का लिखना है, किस कितनी उसकी हाइट है और कितनी उसकी मोटाई है। ये लाइंस आगे चलती जाएंगी जितनी हमें लेटर चाहिए, जितने लेटर होंगे उतने ये आगे चलता जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम ए लिखते हैं। अब जनरली ए क्या है, कैसे बनता हमारा, ए लिखेंगे कितनी रेशो में, 7:4 में आना चाहिए, मींस जो उसकी विड्थ है उसमें कितने पार्ट्स होने चाहिए, 4 बॉक्सेस, हर एक बॉक्स कितने का, 16, 7 पार्ट्स, ये तो वैसे ही चलेंगे, पहले 4 बॉक्स, 1, 2, 3 और 4, क्लियर। अब ये पोर्शन सेंटर पे आना चाहिए, टोटल 4 बॉक्स है तो सेंटर कहाँ बनता है, 2 पे। अब इसको किस पेंसिल से लिखना है, एच थोड़ी सी हमारी एज कंपेयर टू 2H डार्क होती है, और ये जो इसकी लाइन है एक ही ये वाली, ये नीचे से 2 बॉक्स छोड़ के लगानी, कितने बॉक्स छोड़ के, 2, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बी, एक बॉक्स हमेशा खाली छोड़ देना है, जब भी नेक्स्ट लेटर लिखना है तो एक बॉक्स बीच में खाली छोड़ देना है।
अभी कैसे बनता हमारा? स्ट्रेट लाइन, उसके बाद जनरली बी हमारा होता है, बट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है वो है ऊपर वाला हिस्सा छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा। मीन्स टोटल टोटल हमारे पास कितने बॉक्स है? 7। मीन्स ऊपर वाला हिस्सा 3 बॉक्स में बनेगा और नीचे वाला 4 में। क्लियर है? सबसे पहले मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगा ली, सॉरी वर्टिकल लगा ली, फिर 2 बॉक्स तक स्ट्रेट, ऊपर भी 2 बॉक्स तक स्ट्रेट, और ऊपर वाला हिस्सा कितने बॉक्स में बनना है? 3 में। तो 3 अगेन 2 बॉक्स तक स्ट्रेट। उसके बाद क्या करना है? गोल। गोल आप सर्कल मास्टर भी कर से भी कर सकते हैं, अगर फ्री हैंड करना है तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं, पर ये प्रॉपरली एक्यूरेट होना चाहिए। क्लियर है? जो ऊपर वाला बॉक्स है वो फोर्थ नंबर बॉक्स को टच नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही हमने क्या कर देना है? इसको गोल कर देना। क्लियर है? इसको टच नहीं करवाना, उससे पहले ही इसको कर्व कर देना। ये एक बी में होता है, एक एस में। ये हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट हमारा सी, एक बॉक्स अगेन वेकेंट छोड़ देना। सी में क्या करना है? ऊपर से 2 बॉक्स और नीचे से 2 बॉक्स छोड़ के बाकी जो पोर्शन बनता है वहां पे हमने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, और जो कर्व करना है वो ऊपर वाले 2 बॉक्स में करना है, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? ये हो गया सी। उसके बाद है डी, अगेन एक बॉक्स वेकेंट स्टेट। क्लियर है? क्या कर दिया हमने? स्टेट लाइन लगा दी, स्टेट। उसके बाद 2 बॉक्स तक स्टेट, देन अगर फोर्थ नंबर बॉक्स ये रहा, ऊपर से 2 बॉक्स छोड़ देने और नीचे से 2 बॉक्स छोड़ देने बाकी पोर्शन पे स्टेट। बाकी इस पे क्या कर देना? इसको कर्व कर देना। नेक्स्ट है हमारा ई। स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट उसके बाद है सेंटर वाली लाइन। जनरली वो लाइन सेंटर पे नहीं होती, हम बनाने से क्या करते हैं? ई जनरली बनाते तो लगा देते सेंटर लाइन यहाँ, नहीं ये सेंटर से नहीं होती, ये ऊपर से 3 बॉक्स छोड़ के नीचे से 4, और ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके इक्वल नहीं होती, ये होती जनरली टोटल 4 बॉक्स है, जनरली 2.5 तक, 2.5 बॉक्स तक ही लगाते हैं इसको, ऊपर से 3 बॉक्स, 1, 2 और 3। कितनी लगानी है? 2.5 तक। क्लियर है? उसके बाद है एफ। एफ जनरली ई से मिलता ही है, बस बॉटम वाली लाइन नहीं लगानी, बाकी सेम ही है, हमें बॉक्स बनाने होंगे। नेक्स्ट
तो स्टूडेंट्स अब हम बनाते हैं एफ, एक बॉक्स खाली, स्ट्रेट लाइन, देन फोर बॉक्सेस तक स्ट्रेट, नेक्स्ट ऊपर से तीन लाइनें छोड़ के जैसे ई में किया था, सेंटर लाइन 2.5 तक ई, क्लियर है। उसके बाद अब हम बनाएंगे ई के बाद जी, जी में क्या करना है, जैसे हमने सी में किया था, दो बॉक्स ऊपर से छोड़ देने हैं और दो बॉक्स हमने नीचे से, बाकी पे क्या करना है, स्ट्रेट। ऊपर वाले दो बॉक्स में गोल, अब नीचे वाला कहाँ तक ले जाना है, दो से स्टार्ट करना है और इसको लेके कहाँ तक जाना है, ऊपर वाले फोर बॉक्सेस तक, देन अंदर दो तक, फिर स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका जी। उसके बाद एच, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद अगेन स्ट्रेट लाइन, और जो सेंटर वाली है वो जनरली सेंटर पे नहीं लगानी, ऊपर से तीन बॉक्स छोड़ के, नोट एट सेंटर, ऊपर से तीन बॉक्स छोड़ के, जैसे हमने ई में किया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिसमें आ जाता आपका आई जे एम और डब्ल्यू, इनकी रेशो अलग है, आई बनता है 7:1 में, जे बनता है 7:3 में, एम और डब्ल्यू बनता है 7:5 में, बाकी सारी वर्ड्स की जो रेशियो है 7:4 ही है, बट ये जो चार वर्ड्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट है, इनकी रेशियो है 7:1, मीन्स जो आई है उसकी विड्थ कितनी, ओनली 1, और जे की ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और एम और डब्ल्यू 5 पार्ट्स में हो उसकी विड्थ काउंट होगी, क्लियर है। सबसे पहले आई ड्रा कर रहे हैं हम, आई क्या है, ओनली 7:1, एक बॉक्स खाली, दूसरा बॉक्स शुरू कहाँ से हुआ, नेक्स्ट यहाँ से, आई क्या है, जस्ट ए सिंगल वर्टिकल लाइन, इसी को क्या कहते हैं आई, ये हो गया आई, क्लियर है। उसके बाद एक बॉक्स फिर खाली छोड़ देना, नेक्स्ट क्या, जे, जे कितनी रेशो में, 7:3, 1, 2 और 3, क्लियर है। उसके बाद तीन बॉक्स में है, नीचे वाले दो बॉक्स में क्या कर देना इसको, गोल, उसके बाद है के, स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला कॉर्नर जो फोर्थ बॉक्स का है, और यहां से हमने फोर्थ बॉक्स का ये वाला कॉर्नर लेना है, इन दोनों को क्या करना है, मैच करवा देना, ऊपर वाले का फोर्थ बॉक्स का कॉर्नर और यहां से फोर्थ, इन दोनों को क्या कर देना है, मैच करवा देना, क्लियर है। उसके बाद इसको देखना और नीचे वाले कॉर्नर को, ये लाइन लगा दे, ये हो गया आपका के। उसके बाद एल, एल तो सिंपल ही है, एल एम, एम की रेशो मैंने बताई, एम और डब्ल्यू कितने बॉक्स में बनते हैं, 7:5, 1, 2, 3, 4 और 5, फिर क्या करना है, 5 बॉक्सेस का सेंटर कहाँ बनेगा, 2.5 पे, ये हो गया
एम, उसके बाद एन। एन तो सिंपल ही है। उसके बाद है ओ जनली सी से मिलता है। सी में क्या था, ऊपर से 2 बॉक्स, नीचे से 2 बॉक्स, बाकी में क्या करते हैं ना, स्टेट। इसी तरह दूसरी साइड पे भी नीचे से 2, ऊपर से 2 छोड़ देने, बाकी पोर्शन पे क्या कर देना इसको, गोल। उसके बाद है पी। पी में क्या करना, स्ट्रेट लाइन, देन जो ऊपर वाला पोर्शन होता है पी का वो बनता है 4 बॉक्स में, 1, 2, 3 और 4। पहले 2 बॉक्स तक स्ट्रेट लाइन, ऊपर भी 2 बॉक्स तक स्ट्रेट लाइन, बाकी पे क्या कर देना, गोल। क्लियर है? क्लियर? क्यू ओ से मैच करेगा, 2 बॉक्स तक स्टेट, इसी तरह 2 बॉक्स तक यहाँ स्टेट, गोल कर देना। उसके बाद क्यू की क्या करना है, नीचे वाले 2 बॉक्स हॉरिजेंटल ले लेने, 2 बॉक्स वर्टिकल, एक कॉर्नर ये होगा एक नीचे वाला, इन दोनों को क्या कर देना, मैच करवा देना। ये हो गया क्यू। नेक्स्ट है आर। आर किससे मैच करता है, पी से। अब हम आगे नेक्स्ट लाइन पे। क्लियर है? कहां पे आ गए, नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे कितना आना है, इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक्सटेंडर रूल है। कितना लेना है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रूल है। जनरली हम ले लेते हैं कोई भी लेटर है, मान लो कई बुक्स में इक्वल टू हाइट ही ली हुई है स्पेस, पर जो हम लेंगे वो लेंगे जितनी विड्थ है। क्लियर है? एक लेटर की कितनी विड्थ है, अपना सेम रेशियो 4 में कितनी आई हमारी, एक पार्ट कितने का, 4, और उसकी विड्थ कितनी थी, 4, 4 × 4 = 16। क्लियर? स्टूडेंट्स अब आ गए हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे जब आना है तो 2 रोज है, एक ये रो है एक ये रो है, इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, वो होता है जनरली इक्वल टू साइज ऑफ एम। एम का साइज कितना था, 7:5, मीन्स उसकी विड्थ कितनी थी, 5, हर एक पार्ट कितने का, 4, तो 5 × 4 कर देंगे कितना आ जाएगा, 20, तो ये 20 आ जाएगा। बाकी वैसे ही जैसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, 28 की हाइट लेके अगेन वैसे चलेगा। अब हमने पी और क्यू कर लिया था, क्यू के बाद क्या, आर। आर किससे मैच करता हमारा, पी से। उसके बाद है आर की ये लाइन, जैसे के में बनाई थी, इस पोर्शन को देखना और इस पोर्शन को, पॉइंट को, और दोनों को मैच करवा देना। उसके बाद है एस, एक बॉक्स खाली छोड़ देना, एस बनाएंगे
एस की ये जो लाइन है इसको टच नहीं करनी चाहिए जैसे बी में किया था। नीचे से दो बॉक्स में गोल करेंगे नीचे वाला पोर्शन, कहाँ तक लेके जाएंगे? तीन तक, बाकी पे इसको मैच कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद है टी। टी तो सिंपल ही है, क्लियर है। उसके बाद है यू। नीचे वाले दो बॉक्सेस में गोल कर देना। उसके बाद है वी। वी भी सिंपल ही है हमारा। बी कैसे बनेगा? उसके बाद है डब्ल्यू। एम और डब्ल्यू की क्या रेशियो थी? 7:5। कितनी रेशो है? 7:5। अब W में क्या होता है? जनली जो ये लाइन होती है, जनली कहते हैं भी M का उल्टा क्या है? W, बट ये गलत है। W में क्या होता है? M में ये लाइन स्ट्रेट होती है, बट W में ये जो लाइंस हैं, ये वाली, ये दोनों लाइंस क्या होती है? थोड़ी सी इंक्लिनेशन फॉर्म में होती हैं। अब इंक्लिनेशन क्या करना है? एक बॉक्स ये देखना है, एक बॉक्स ये, इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ दो। उसके बाद 5 बॉक्स में आना, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह इस कॉर्नर को देखना और इस कॉर्नर को। उसके बाद उल्टा भी। टोटल 5 बॉक्स है तो हाफ बनेगा हमारा 2.5 पे। ये हो गया हमारा W। उसके बाद X। X भी हमारा सिंपल है। उसके बाद है वाई। वाई हमारा कैसे बनता है? छोटा वी और स्ट्रेट लाइन। ये जो वी है ऊपर वाले 3 बॉक्स में बनेगा। क्लियर है? 1, 2 और 3। सेंटर पॉइंट कहाँ पे आ गया? इन दोनों को क्या कर देना? भी। उसके बाद आ जेड। जेड भी सिंपल ही है। ये हमारा हो गया जेड और हमारी लेटरिंग A to Z कंप्लीट हो गई है। अब नीचे लिखना भी है। क्या लिखना है भी? हमने कौन सा टॉपिक बनाया है? जितना मर्जी साइन लाइन ले लो, दो हॉरिजॉन्टल गैप जितना मर्जी ले सकते हो आप। बीच में क्या लिखेंगे हम? टॉपिक का नाम क्या है? सिंगल सिंगल स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल
सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग। इन 7:4। क्लियर। सिंगल स्ट्रोक मींस जब मैंने ए बनाया तो पेंसिल एक बार ही प्रेस की, अगर मैं इस पे एक बार पेंसिल लगाने के बाद फिर इसके ऊपर पेंसिल चला देता, उसको डार्क कर देता हूँ, तो वो बन जाती डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक बार ही पेंसिल चलानी, ये भी याद रखना। सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट है, लेटरिंग 7:4। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।